नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिहार विधानसभा चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में हम प्रवक्ता जीतन राव मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पार्टी के लिए ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 25 जून तक अगर महागठबंधन से बात नहीं बनी तो ये स्वतंत्र निर्णय लेंगे। वहीं ऑर्डिनेशन कमेटी पर बात करेंगे, 23 और 24 को महागठबंधन नेताओं के साथ बात करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। दरअसल बीते दिनों उन्होंने कहा था कि महागठबंधन में अगर सभी दलों को अहमियत दी जाएगी तभी गठबंधन चल सकेगा, अगर अनदेखी की गई तो महागठबंधन को टूटने से कोई नहीं रोक सकता। जीतन राव मांझी ने कहा कि महागठबंधन में 5 दल हैं और आज हम किसी भी प्रकार की राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहते हैं आप लोगों से, और विशुद्ध सामाजिक चर्चा आपसे करना चाहते हैं। विगत दो दिनों में आपने की जगह हम लोग करेंगे आपसे, तब फिर मैंने न्यूज़ से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की नहीं, ये कांग्रेस के भारत के विकास पर चल रहा था कार्यक्रम, उसमें बड़े मोहन झा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उसमें सर आपको भी बुलाया गया था। हाँ, तो हम तो वो भी कहे, और फिर क्या कहते हैं हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी बोल ही रहे हैं, हमारे ये जो भारतीय खंडा उपंडा मुकेश कह ही रहे हैं, लेकिन जो बड़ी पार्टी है उसको एकदम रिजेक्ट कर चुकी है, तो आप लोग क्या करेंगे ये बता रहे। अब तो चुनाव आ गया है, देखिए क्या करना है। आपको स्मरण होगा, हमने एक समय तय रखा था कि 30 दिसंबर तक अगर नहीं होगा तो हम लोग इस पर कुछ समझे, 30 दिसंबर 2-4-5 दिन आगे पीछे हम लोग बहुत इसके लिए कवायद किया, बातें नहीं बनी, फिर लॉकडाउन का मामला आ गया जी। और इधर हम 25 लोग दिल्ली में हैं, तो जिस समाज की बच्ची थी उस समाज के साथ साथ कुछ और अगल बगल के लोग, उसमें एक नाम आता है नवीन सिंह जो पंचायत समिति के सदस्य रहे हैं उसी थाना या उसी प्रखंड के, तो वो लोग वहाँ गए एक कहने के लिए कि अब जो बात हो गई सो हो गई, अब चलो गांव। गांव में लगभग सब लोग अपना राजी नुमा से तुम लोग अपना जीवन व्यतीत करो। ये लोग दोनों लड़का लड़की सोचे कि तो अच्छी बात है, वो चले आए यहाँ थाना पर, वो थाना बीरपुर थाना बेगूसराय। तो जैसे ही थाना पर ये लोग आए तो 23 मार्च को वो लोग आए, 23 मार्च को थाना पर आए। तो थाना पर आने के बाद विनय सिंह और थानेदार दोनों मिलके कहा कि आइए गए हो तो लड़की को अपना घर भेज दो और तुम अपना घर जाना। तो पहले लड़की को भेज दिया गया घर और लड़का को वहीं रखा गया और उसको खूब पीटा गया और रात में ही उसकी हत्या हो गई। तो 24 तारीख का दिन माना जाता है, 23 को आए और 24 को उसकी उसका डेड बॉडी के बारे में सब लोगों को पता चला। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।